नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी कक्षा 7वीं की विज्ञान के बारे में। तो इसमें अभी तक हम लोग 4 चैप्टर आपके खत्म कर चुके हैं। ये आपका 5वां चैप्टर अम्ल, क्षारक और लवण के बारे में आज हम लोग जानेंगे। अपने दैनिक जीवन में हम नींबू, इमली, नमक, शक्कर और सिरके जैसे अनेक पदार्थों को का उपयोग करते हैं। क्या इन सबका स्वाद एक समान होता है? सारणी जो 5.1 में सूचीबद्ध किए गए कुछ खाद्य पदार्थों के स्वाद पर ध्यान दें। यदि आपने इनमें से किसी पदार्थ का स्वाद नहीं चखा हो तो उसे चखिए और परिणामों की सारणी में लिखिए। नींबू का खट्टा होता है, नींबू का खट्टा संतरे का मीठा और खट्टा दोनों होता है, ठीक है। नमक आपका कड़वा हो गया, शक्कर मीठी मीठा हो गया, ठीक है। इसी तरह से किसी भी वस्तु को तब तक मत चखिए जब तक कि ऐसा करने के लिए आपसे कहा ना जाए। किसी भी वस्तु को तब तक स्पर्श ना करें जब तक ऐसा करने के लिए आपसे कहा ना जाए। मैंने क्या बोला था कि इन किताबों को पढ़कर आप अच्छा इंसान तो बन ही जाएंगे, क्योंकि बहुत अच्छे से समझाया गया हर चीज। आप देखेंगे कि इनमें से कुछ पदार्थों का स्वाद खट्टा, कुछ का कड़वा, कुछ का मीठा और कुछ का नमकीन स्वाद होता है। बात करते हैं हम लोग अम्ल और क्षारक, अम्ल और क्षार के बारे में। दही, नींबू का रस, संतरे का रस, सिरके का स्वाद खट्टा होता है। इन पदार्थों का स्वाद खट्टा इसलिए होता है क्योंकि इसमें अम्ल एसिड होता है। इनके रस में अम्ल होता है, एसिड होता है। ऐसे पदार्थों की रासायनिक प्रकृति अम्लीय होती है। एसिड शब्द की उत्पत्ति आपकी लैटिन शब्द एसियर से हुई है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। इन पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल प्राकृतिक अम्ल होते हैं। खाने का सोडा, बेकिंग सोडा कैसा होता है? क्या इसका स्वाद भी खट्टा होता है? यदि नहीं तो इसका स्वाद कैसा होता है? क्योंकि इसका स्वाद खट्टा नहीं है, जिसका मतलब है कि कोई अम्ल नहीं है, इसमें कोई अम्ल नहीं है। इसका स्वाद कड़वा है। यदि आप इसके विलयन को अपनी अंगुलियों के बीच रगड़ें तो यह साबुन जैसा चिकना लगता है। सामान्यतः ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं उन्हें हम लोग एक क्षारक कहते हैं या क्षार कहते हैं। ये इनकी एक साधारण परिभाषा है। वे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं एक साधारण परिभाषा में से क्षारक कह सकते हैं। इन पदार्थों की प्रकृति क्षारकीय होती है। यदि हम किसी पदार्थ को चख नहीं सकते हैं तो हम उसकी प्रकृति कैसे ज्ञात होगी? कोई पदार्थ अम्लीय है अथवा क्षारीय है? इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है। ये पदार्थ सूचक कहलाते हैं। सूचकों को जब अम्लीय अथवा क्षारीय पदार्थ युक्त विलयन में मिलाया जाता है तो उनका रंग बदल जाता है। हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियां आदि कुछ प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक हैं। क्या आप जानते हैं अम्ल का नाम और किस में पाया जाता है? एसेटिक अम्ल सिरका, फॉर्मिक अम्ल चींटी का डंक में, साइट्रिक अम्ल नींबू के कुल के सेक्टर्स फल जैसे संतरा नींबू में, लैक्टिक अम्ल दही में, ऑक्जेलिक अम्ल पालक में, स्कर्वी अम्ल विटामिन सी कोयला सेट्रस अम्ल फल में, टार्टरिक अम्ल इमली अंगूर कच्चे आम। इस तरह के आपके क्वेश्चन पता है एसएससी में वनडे एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं कि लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, या पूछ लेता है चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल। ऊपर बताए गए सही भी अम्ल प्रकृति में पाए जाते हैं, क्षारक है नहीं, वे किस में पाए जाते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने का पानी, अमोनियम हाइड्रोक्साइड खिचड़ी खिड़की के कांच आदि साफ करने के लिए उपयुक्त मार्जक, सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड साबुन में, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दुधिया मैग्नीशियम मिल्क ऑफ मैग्नीशियम भी मैग्नीशिया भी बोलते हैं इसे, ठीक है। हमारे आसपास के प्राकृतिक सूचक लिटमस एक प्राकृतिक रंजक है। सबसे सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाला प्राकृतिक सूचक लिटमस इसे लाइकेनो
सेक से निष्कर्षित किया जाता है। आसुर जल में इसका रंग मो नील सोड होता है। जब इसे अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह लाल हो जाता है, और जब क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह नीला हो जाता है। यह विलयन के रूप में अथवा कागज की पट्टियों के रूप में उपलब्ध होता है, जिन्हें हम लोग लिटमस पत्र कहते हैं। सामान्यतः यह लाल और नीले लिटमस पत्र के रूप में उपलब्ध होता है। लाइकेन और लाल व नीला लिटमस, यह आपका लाइकेन। क्रियाकलाप 5.1, प्लास्टिक के किसी प्याले कटोरे या फिर परखनली में नींबू का रस लेकर उसमें थोड़ा पानी मिलाइए। ड्रॉपर की सहायता से उपयुक्त विलयन की एक बूंद को लाल लिटमस पत्र पर डालिए। लिटमस परीक्षण करते हुए बच्चे, आपको ये परीक्षण करने नहीं बैठ जाना है। पता चला कि एक साल इसी में गुजार दिया आप लोगों ने। आप लोगों को बस पढ़ना है और निकल जाना है। जिनके लिए एक कक्षा सातवीं के बच्चों के लिए बनाई गई है वो करेंगे अच्छे से प्रैक्टिकल, ठीक है। क्या इसके रंग में कोई परिवर्तन होता है? इसी परीक्षण को नीले लिटमस पत्र के साथ दोहराइए। नोट कीजिए कि क्या रंग में कोई परिवर्तन हुआ है। इस क्रियाकलाप को निम्नलिखित पदार्थों के साथ दोहराएं। नलके का पानी, अपमार्जक डिटर्जेंट का घोल, वातित पेय पदार्थ, साबुन का विलयन, शैंपू सामान, नमक का विलयन, शक्कर का विलयन, सिरका, बेकिंग सोडे का विलयन, दुधिया मैग्नीशियम, धावन सोडे का विलयन, चूने का पानी, यदि संभव हो तो विलयन आसुत जल में बनाए। चूने का पानी बनाने के लिए किसी बोतल में चूने की कुछ मात्रा पानी में घोलिए। विलयन को भांति भांति हिलाकर कुछ देर रखा रखी रहने दीजिए। अब बोतल के ऊपरी भाग के से कुछ द्रव को किसी बर्तन में निर्थाल लीजिए। यह द्रव ही चूने का पानी है। क्या आपकी सूची में कुछ ऐसे विलयन हैं जिसका लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं? इन पदार्थों का नाम लिखिए। ऐसे विलयन जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करते हैं उदासीन विलयन कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ ना तो अम्लीय होते हैं और ना ही क्षारीय प्रकृति के होते हैं। याद रखना, उदासीन विलयन उन्हें कहते हैं जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करते। हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है। एक चम्मच हल्दी पाउडर लीजिए, इसमें थोड़ा जल मिलाकर इसका पेस्ट बनाइए। स्याही सोख्ता, ब्लॉटिंग पेपर या फिल्टर पत्र पर हल्दी पत्र का पेस्ट लगाकर हल्दी पत्र बनाइए। उसे सूखा लीजिए। हल्दी पत्र की पतली पतली पट्टियां काट लीजिए। हल्दी पत्र की पट्टी पर एक बूंद साबुन का विलयन डालिए। आप क्या देखते हैं? इस प्रकार सारणी 5.3 में दिए गए विलयनों का परीक्षण करना है और अपने परीक्षणों को सारणी 5.3 में नोट करिए। आप अन्य पदार्थों के विलयन में भी परीक्षण कर सकते हैं। आप अपनी माताजी के जन्मदिन पर उनके ये विशेष बधाई पत्र बना सकते हैं। सादे सफेद कागज की सीट पर हल्दी का पेस्ट लगाइए, उसे सूखा लीजिए रूई की फाई की सहायता से। इस पर चूने के पानी से एक खूबसूरत फूल बनाइए। आपको एक सुंदर बधाई पत्र मिल जाए इस तरह से। सूचक के रूप में गुड़हल के पुष्प की कुछ पंखुड़ियां एकत्रित कीजिए। उन्हें किसी बीकर में रख दीजिए। इसमें थोड़ा गर्म जल मिलाइए। मिश्रण को कुछ समय तक रखिए जब तक जल रंगीन ना हो जाए। रंगीन जल को सूचक के रूप में उपयोग कीजिए। इस सूचक की 5-5 बूंदें सारणी 5.4 में दिए गए प्रत्येक विलयन में मिलाइए। सूचक का अम्लीय और क्षारीय उदासीन विलयनों पर क्या प्रभाव पड़ता है? गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयनों को गहरी गुलाबी, मेजेंटा और क्षारीय विलयनों को हरा कर देता है। आप इस प्राकृतिक सूचक को बनाकर उससे अम्लीय, क्षारीय और उदासीन विलयनों में रंग परिवर्तन देखने का प्रयास कर सकते हैं इस तरह से। कॉफी का रंग भूरा और स्वाद है कड़वा, अम्ल है यह या छाल पिसना बड़ा ही दुश्वार। स्वाद के कारण से अनजान, बिना परीक्षण होना ज्ञान। याद रखिए, कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो विषैले होते हैं, इसलिए उन्हें चक्कर हम लोग नहीं देख सकते। इसलिए इस तरह की विधियों का उपयोग किया जाता है उनकी प्रकृति जानने के लिए।
शिक्षक शिक्षिका से अपेक्षित है कि वे अपने विद्यालय की प्रयोगशाला अथवा आसपास के किसी विद्यालय से निम्नलिखित रसायनों के तनु विलयन ले, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड तथा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने का पानी। इनमें से प्रत्येक विलयन पर तीन सूचकों का प्रभाव प्रदर्शित कीजिए। प्रयोगशाला अम्लों और क्षारकों के रखरखाव उपयोग में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि ये संक्षारण प्रकृति के होते हैं जो त्वचा में जलन उत्पन्न करते हैं, उन्हें हानि पहुंचाते हैं। अब बात करते हैं उदासीनीकरण। हमने पढ़ा है कि अम्ल नीले लैटमस को लाल कर देते हैं, जो अम्ल होते हैं आपके लीले नीले लैटमस को लाल कर देते हैं, क्षारक लाल लैटमस को नीला कर देते हैं। इनकी पहचानने की विधि है। आइए अब हम देखते हैं कि जब किसी अम्ल को किसी क्षारक में मिलाया जाता है तो क्या होता है। हम उस सूचक का उपयोग करने जा रहे हैं जिसका आपने अभी तक उपयोग नहीं किया। इसे फेनोल फेनोल एलीन कहते हैं। किसी प्रकनली के एक चौथाई भाग को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से भर दीजिए। इसका रंग नोट कीजिए। फेनोल थेलिन विलयन के रंग को भी नोट कीजिए। सूचक के दो तीन बूंद अम्ल में मिलाइए। प्रकनली को धीरे धीरे हिलाइए। क्या आपको अम्ल के रंग में कोई परिवर्तन दिखाई दे रहा है? अम्लीय विलयन में डोपर से सोडियम हाइड्रोक्साइड की एक बूंद डालिए। प्रकनली को धीरे धीरे हिलाइए। क्या विलयन के रंग में कोई परिवर्तन होता है? विलयन को निरंतर हिलाते हुए बूंद बूंद करके सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन डालना तब तक जारी रखिए जब तक कि हल्का गुलाबी रंग ना आ जाए। अब इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की एक बूंद और मिलाइए। आप क्या देखते हैं? क्या विलयन पुनः रंगहीन हो जाता है? फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड की एक बूंद मिलाइए। क्या रंग में कोई परिवर्तन होगा? विलयन पुनः गुलाबी हो जाता है। यह स्पष्ट है कि जब विलयन क्षारीय क्षारकीय होता है तो फेनोल थेलिन गुलाबी रंग देता है। इसके विपरीत तथा अगर जब आपका विलयन अम्लीय होता है तो यह रंगहीन रहता है। जब किसी अम्लीय विलयन में क्षारकीय विलयन मिलाया जाता है तो दोनों विलयन एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं। जब किसी अम्ल और क्षारक के विलयन को उचित मात्रा में मिलाया जाता है तो विलयन की प्रकृति ना तो अम्लीय रहती है और ना ही क्षारीय रहती है। दूसरे शब्दों में हम लोग कहें तो अम्ल तथा क्षारक दोनों ही प्रकृति लुप्त हो जाती है। इस प्रकार बना विलयन ना तो अम्लीय होता है ना ही क्षारीय। उदासीनीकरण के तत्काल बाद प्रकनली को स्पर्श करें। आपने क्या अनुभव किया? उदासीनीकरण अभिक्रिया में सदैव ऊष्मा निकलती है, अर्थात निर्मुक्त होती है। निर्मुक्त ऊष्मा से अभिक्रिया मिश्रण का ताप बढ़ जाता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में नया पदार्थ निर्मित होता है जो लवण कहलाता है। क्या कहलाता है? लवण। लवण अम्लीय क्षारकीय अथवा उदासीन प्रकृति का हो सकता है। अतः उदासीनीकरण को निम्न रूप से परिभाषित किया जा सकता है। किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। इस प्रक्रम में ऊष्मा के निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण और जल निर्मित होते हैं। क्या आप अम्ल वर्षा शब्द से परिचित हैं? क्या आपने कभी अम्ल वर्षा के क्षतिकारी प्रभाव के बारे में सुना है? जैसा कि नाम से पता चलता है, जब वर्षा जल में अम्ल की मात्रा अत्यधिक होती है तो उसे हम लोग अम्ल वर्षा कहलाती है। वर्षा जल में अम्ल कहाँ से आता है? वर्षा जल अम्लीय इसलिए हो जाता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी गैसें जो वायु में प्रदूषक के रूप में निर्मुक्त होती हैं, वर्षा जल में घुलकर क्रमशः कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती है। अम्ल वर्षा भवनों, ऐतिहासिक इमारतों और पौधों और जंतुओं को क्षति भी पहुंचा सकती है। अम्ल प्लस क्षारक लवण प्लस जल में निर्मुक्त होती है, ऊष्मा निर्मुक्त होती है। निम्नलिखित अभिक्रिया इसका उदाहरण है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सोडियम क्लोराइड में बदलता है और जल प्लस ऊष्मा देता है। भूजो ने चूने के पानी में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया। अभिक्रिया मिश्रण गर्म हो जाएगा अथवा ठंडा। दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के उदाहरण देखते हैं। आपाचन, हमारे आवाचन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। आप अध्याय 2 में पढ़ चुके हैं, यह भोजन के पाचन में हमारी सहायता करता है। हाइड्रोक्लोरिक
अम्ल, लेकिन आमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा होने से आपाचन हो जाता है। कभी कभी आपाचन की काफी कष्टदायक होता है। आपाचन से मुक्ति पाने के लिए हम दुधिया, मैग्नीशियम जैसा कोई पीती अम्ल लेते हैं, जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। यह अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देता है। चिंटी का डंक, जब चिंटी काटती है तो यह त्वचा में अम्लीय द्रव डाल देती है। डंक के प्रभाव को नमी युक्त खाने का द्रव सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अथवा केलीमाइन विलयन मलकर उदासीन किया जा सकता है, जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है, और हमें इससे उपचार किए जा सकते हैं। ठीक है, चिंटी के काटने के बाद जलन महसूस होती है तो उसे शांत किया जा सकता है। मृदा उपचार, रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग मृदा को अम्लीय बना देता है। यदि मृदा अत्यधिक अम्लीय है अथवा अत्यधिक क्षारीय हो जाए तो पादपों पौधों की वृद्धि अच्छी नहीं होती। जब मृदा अत्यधिक अम्लीय होती है तो उसे बिना बुझा हुआ चूना अथवा बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुए चूने को क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जैसे क्षारकों से उपचारित किया जाता है। यदि मृदा क्षारीय हो तो इसमें जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं। जैव पदार्थ कंपोस्ट खाद मृदा में अम्ल निर्मुक्त करते हैं और उसकी क्षारीय प्रकृति को उदासीन कर देते हैं। कारखानों का अपशिष्ट, अनेक कारखाने के अपशिष्ट कचरे में अम्लीय पदार्थ मिश्रित होते हैं। यदि ऐसे अपशिष्ट पदार्थों को सीधे से जलाशयों व नदियों में बहने दिया जाए, विसर्जित किया जाए, तो मछली और अन्य जलीय जीवों को अम्ल नष्ट कर सकते हैं। अतः कारखाने के अपशिष्ट को जलाशय व नदियों में विसर्जित करने से पहले क्षारकीय पदार्थ मिलाकर उदासीन किया जाता है। तो इसमें हम लोगों ने देखा है अम्ल देखा है, क्षार देखा है, सूचक देखे हैं, उदासीन विलयन देखा है, उदासीनीकरण देखिए, लवणी देखिए। इन्हीं परिभाषाएं हमें जानने की कोशिश करना है। जब भी हम लोग अध्याय खत्म करते हैं तो इस तरह के हमारे अगर क्वेश्चन हमसे सॉल्व हो जाते हैं तो हमने अध्याय अच्छे से पढ़ा है। अगर सॉल्व नहीं होते हैं तो एक दो बार और आपको पढ़ लेना है। आपने इस अध्याय में क्या सीखा है? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, सामान्यतः क्षारकों का स्वाद कड़वा होता है तथा उनका स्पर्श साबुन जैसा होता है। अम्ल नीले लेटमस को लाल कर देते हैं। याद रखना है, ये कई बार पूछ लेता है और जानकारी में भी रहना चाहिए। अम्ल जो होते हैं वो नीले लेटमस को लाल कर देते हैं। जो क्षार होते हैं आपके वो लाल लेटमस को नीला कर देते हैं। वे पदार्थ जो ना तो अम्लीय होते हैं ना ही क्षारीय होते हैं, उन्हें हम लोग उदासीन कहते हैं। ऐसे पदार्थों के विलयन जो अम्लीय और क्षारीय और उदासीन विलयन में भिन्न भिन्न रंग दर्शाते हैं, सूचक कहलाते हैं। अम्ल और क्षारक एक दूसरे को उदासीन करके लवण बनाते हैं। लवण अम्लीय क्षारीय किए अथवा उदासीन प्रकृति के होते हैं। ये आपके कुछ अभ्यास के लिए क्वेश्चंस दिए गए हैं, फिर चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर चाहे PDF डाउनलोड कर लीजिए, टेलीग्राम पर ले लीजिए, ठीक है, लगा सकते हैं आप लोग ये क्वेश्चंस। अच्छे से पढ़िए एक दो बार आराम से, आप लोगों को इतना टेंशन मत लेना है, क्योंकि बहुत ही साधारण शब्दों में लिखी गई है। ठीक है, इसमें मुझे खुद नहीं समझ में आता है ऐसा कोई शब्द की जो आप लोगों को बता सकें, समझा सकें कि इसकी परिभाषा कठिन है। तो ये था आपका 5वां चैप्टर। आगे बात करेंगे भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के बारे में, 6वां चैप्टर।